माती के रूप में बांधी हुई चुनरी के यहाँ लिखा हुआ चुनरी बांधे, कृपया चुनरी ना बांधे। बाकी ये पूरा रामगढ़ का सैनिक जो काले बादल होते हुए देखे, फिर से सीन चलते हुए ये और अन्य स्तंभ देखिए लेफ्ट साइड और एक ये राइट साइड, और बाकी मुख्य शिखर के दर्शन बाबा की अति की कृपा के कारण शायद अभी थोड़ी देर में सुंदरकांड का पाठ होने जा रहा है, इससे पता लगा। देखिए ये पूरा बहुत सी हनुमान जी से रिलेटेड पूजा के श्लोक और सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। श्री हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम, श्री रामावतार भय प्रकट कृपाला, दीनदयाला कौशल्या हितकारी, और ये बाकी बाहर से बाहर की तरफ से भी मंदिर का, और ये पीछे जाते हुए फिर से वही कल कल बहती हुई वो रिवर, दिन में इस एरिया में उधर लेफ्ट साइड काफ़ी हाथी आए थे, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है। जय बाबा नीम करोली। ये पीछे भी देखिए ये सब लिखा हुआ, ये बाकी स्तंभ पीछे की साइड से ये शिखर के दर्शन, पूरी परिक्रमा एक, और नीचे ये जाने का रास्ता, आना जाना भीड़ कम है तो आना जाना दोनों, और ये शिव परिवार और शिवलिंग इसी में है, और इसके आगे वो पीछे शनिदेव। वास्तव में ये कहा जाता है कि जब भाई रावण से छुड़ा के शनिदेव को ले के आए थे हनुमान जी, तब उनको भाई रावण ने जब इतना मतलब उनको कष्ट दिए थे कि उनके शरीर में पूरे घाव हो गए थे और दर्द से कराह रहे थे वो, तो उस समय हनुमान जी ने उनको तेल दिया, सरसों का तेल, उन्होंने उस सरसों के तेल को अपने शरीर में लगाया, और उसके बाद उनके शरीर की जो पीड़ा थी वो पूरी जाती रही। उसी के बाद से ये सरसों के तेल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। वो पीछे ठीक देखिए पीपल का पेड़ जो है वो शनिदेव का वहाँ मंदिर है, पीपल के पेड़ के नीचे, और ये शिव दरबार। जय बाबा नीम करो सूर्यदेव, सूर्यदेव हस्ताचल की ओर जाते हुए जय सूर्यदेव सूर्याय नमः, वैसे कहते हैं डूबते हुए सूर्य को नमस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं।